I had the chance of becoming India's most paid physics teacher. There was a time back then, 2 years back, and I would have been labeled as India's highest paid physics teacher. And I have the अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट द सेकेंड सी दैट स्टैंड्स फॉर आर कम्युनिटी. कनेक्शंस हो गए, सब हो गए. नाउ हु वी सर्व इज स्टूडेंट, आर कम्युनिटी. देर वॉज अ टाइम वेन आई हैड द चांस ऑफ बिकमिंग इंडियाज मोस्ट पेड फिजिक्स टीचर. देर वॉज अ टाइम बैक देन, 2 years बैक, एंड आई वुड हैव बीन लेबल्ड एज इंडियाज हाइएस्ट पेड फिजिक्स टीचर. एंड आई हैव द सेकेंड ऑप्शन दैट Alak, do you want to become India's loved physics teacher? I choose the love path for my community and that is my student. Isme ek choti si story hai, thodi bahut shayad kisi ne kabhi suni ho. Waise to aap log padhai karte ho pure time, to main hi suna deta hu. To aap sabhi ko pata hai ki IIT JEE aur NEET ka jo acha material hota hai wo Kota mein hai. Sabhi ko pata hai, wahi se kahani start hui hai. To main bhi Kota gaya tha wahan se study material khareedne aur bahut sara study material khareeda. Aur story aisi hai ki maine itne study material khareede ki last mein mere ko general train mein wapas lautna pada tha. जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है जनरल ट्रेन में, वो आपको 10 रुपए की पन्नी मिलती है, बिछा के आप सो सकते हो. कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस होगा, तुम लोग तो विदाउट टिकट भी ट्रेवल करते हो. खैर, सो एनीवेज, सो वहाँ मैं कोटा स्टेशन पे उतरा और मैंने को पूछना था कि यहाँ कहाँ मैंने सुना था कि वहाँ मटेरियल्स मिलते हैं, वहाँ पे नोट्स मिलते हैं. अब तो खैर वीडियोस का ज़माना है, तब नहीं था, ये काफ़ी पुरानी कहानी है, 2015-16 की होगी. तो वहाँ मैं उतरा और मैंने किसी से पूछा कि यहाँ पे कहाँ पे मिलता है. तो देयर वॉज अ गर्ल विथ हर फादर एंड शी वॉज वेरी लुकिंग वेरी डिप्रेस. तो मैंने पूछा बेटा यहाँ मटेरियल कहाँ मिलता है, आपको पता है? तो बोली हमें नहीं पता है. तो फिर हमने पूछा आप, हम तो जिज्ञासा चढ़ी कोटा के बच्चे कैसे होते हैं, कैसे पढ़ेंगे, बेटा यहाँ कैसी पढ़ाई होती है, आप कहाँ पढ़ते हो? बोली सर मैं वापस जा रहे हो. हमने बोला वापस क्यों जा रहे हो? तब उनके फादर बीच में आए तो उन्होंने पूछा आप कौन मेरा टीचर है? तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हम जिस गाँव में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो जयपुर के किसी राजस्थान के किसी जयपुर के पास में राजस्थान किसी गाँव से रहते थे. उनको वहाँ पर क्लास 12 तक यही नहीं पता था कि नीट या IIT कोई तैयारी होती है, और उनको अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना 12th के बाद समझ में आया जब लोगों ने बनाया कि डॉक्टर बन सकते हैं. तो उन्होंने अपने आसपास ढूंढा, कोई कोचिंग नहीं मिली. तो जो उनके जान पहचान में कोई डॉक्टर बना था, उन्होंने बताया कि भाई कोटा चले जाओ, वहाँ बेस्ट कोचिंग है. तो इनके पास एक खेत था, इन्होंने सोचा मैं उसको गिरवी रख दूंगा और काम बन जाएगा. वहाँ आए तो उनको पता चला कि यार यहाँ जो फीस है वो 1.5 लाख के आसपास है, प्लस 1.5 लाख हॉस्टल का लग जाएगा. तो उन्होंने कहा यार 3-4 लाख के तो मैं खेत बेच के भी नहीं कर पाऊंगा, गिरवी रख के कैसे. नाउ दैट फैमिली वॉज रिटर्निंग बैक, और उस लड़की के अंदर मुझे एक दूसरा अलग पांडे देखा आफ्टर आई थिंक 6-7 ईयर्स. एंड दिस इज द मोमेंट जिससे मुझे गूज़बम्प हुआ. ये कहानी सुनाते हैं मुझे आज भी गूज़बम्प हो जाता है. दिस इज द मोमेंट जो मेरे को दिल पे एकदम तीर चला गया कि अलग, यू नीड टू चेंज दिस. यू कैन नॉट हैव मोर अलग पांडेज इन इंडिया, यू हैव टू चेंज दिस. मैंने फिर उनको उसी मोमेंट बोला कि सर मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा. मैंने उस बच्ची को अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया, तो तब तो छोटे यूट्यूबर दे दिया नंबर, अरे ठीक है. और उसको बोला कि ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना. ओपनली नहीं बोलते, ऐसे तो बोल सकते हैं ना अकेले में. तो फिर मैं घर गया, फिर उसके बाद फिर इसी के बाद मैंने और मटेरियल खरीदा. इसी इंसिडेंट के बाद मैं जितना पैसा बचा था मैंने उससे और मटेरियल खरीदा कि केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा मैं नीट की. फिर मैंने नीट की केमिस्ट्री का भी मटेरियल खरीद लिया, और फिर उसके बाद जाने के पैसे नहीं बचे, फिर मैं जनरल में गया. फिर उसके बाद मैंने खूब पढ़ाया. फिजिक्स मैं क्लास 8 से पढ़ा रहा हूँ. वैसे ऐसा नहीं है कि मैंने उसी टाइम स्टार्ट किया था, क्लास 8 से आई एम टीचिंग फिजिक्स. फिजिक्स का मुझे बहुत पैशन था, और अगर IIT के पेपर में सिर्फ फिजिक्स होती तो मैं डेफिनेटली क्लियर कर लेता, पर कमबख्त मैथ्स केमिस्ट्री फिर भी चल जाती है. पर तो एनीवेज, सो वापस आए, खूब पढ़ा, बच्चों को बहुत फिजिक्स पढ़ाई, केमिस्ट्री पढ़ाई. दिस गर्ल इज़ इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राइट नाउ, और इससे अभी भी मेरा कॉन्टैक्ट है, एंड दिस फील्स वेरी गुड. तो मेरे को बस ये लगता है कि अपन सब तो प्रिविलेज्ड हैं. अगर यहाँ हम लोग इस रूम में देखें, वी आर सिटिंग इन IITs, वी आर प्रिविलेज्ड, वी आर हैविंग द बेस्ट क्लास एजुकेशन, एंड वी फील दैट वी आर लिविंग इन अ फ्री नेशन. बट वी आर नॉट फ्री इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. नो, वी आर नॉट. द प्राइसेज आर लाइक स्काई रॉकेटिंग. वी आर नॉट फ्री, वी आर नॉट. हम लोग अभी शिक्षा के मामले में हमें लगता है आज़ाद नहीं है. और हमारे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की कुछ लाइंस हैं, उनसे मैं सेशन एंड करना चाहूंगा कि इस देश को मैं आजाद करा दूंगा, एक बार इस जमाने से गुलामी का.